ये है कि समझ नहीं आता बात कहाँ से शुरू करूँ। पहले तो ये बता दूँ, शारदा से सुबह हम आराम से एक सेलिब्रेटेड मॉर्निंग गुजारने के बाद निकले हैं। वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, धूप शूप सेक की है, उसके बाद इजी होके चिल हुए, पैकअप किया गाड़ी में, जा रहे टूवर्ड्स ताओपट। असर का टाइम क्रॉस हो गया, ऑटम के कलर्स, ठंडा मौसम, पीछे बारिश, आगे स्नो, रत्ती गली में भी स्नोफॉल थी। नहीं समझ आती कि कैसे एक्सप्लेन करूं कि क्या सीन है। अल्लाह ही अल्लाह, चारों तरफ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह अल्लाह की कुदरत है और खुदा की खुदाई को सलाम है। अब मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, मैं विटनेस कर रहा हूँ ना, मैं कैसे अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँ कि मेरी आंखों को अल्लाह ताला ये दिखा रहा है और मैं ज़िंदगी से, ये मेरी ज़िंदगी का प्रॉफिट है, ये लम्हे, ये चीज़ें, ये खुशियाँ, ये हवा, ये आवाज़ें, ये दरिया, ये पत्ते, ये कलर्स, वो चांद, वो बादल, ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन रहे हैं। मैं सब कुछ इसको एब्जॉर्ब करके, इस खूबसूरती को अपने ऊपर समेट के, जैसे आप चीज़ें नहीं लगाते मुँह पर टू मेक योर सेल्फ क्लीन शलीन ग्रूम करने के लिए, मैं इन सब चीज़ों को अपने ऊपर लपेटता हूँ एंड देन फिर वापस जाके ट्रिप से अपने आप को देखता हूँ एंड आई फाइंड माई सेल्फ अ बेटर वर्जन ऑफ मी। अभी इधर बिला वजह खड़े हैं, समझ ही नहीं आ रही, खड़े हों जाएँ, वट एवर वी डू इज शीर इन्जॉयमेंट, प्लेयर, सुकून। बार बार ब्रेक्स ले रहे हैं, मेरा ट्रैवलिंग का स्टाइल ही है, लेकिन कैंपर के साथ ये मज़ा आ रहा है बिकॉज देर इज नो हरी के कहीं पहुँचना है, चेक इन करना है, चेकआउट करना है, एवरी थिंग इज इन साइड। और टूर के एंड पर मैं डिटेल में ये बात बताना चाहता था कि मेरा चैलेंज भी है और मेरा क्लेम भी है कि पाकिस्तान में इससे बेहतर बिल्ड एडवेंचर आउटडोर के लिए नहीं बन सकी आज तक, इससे बेहतर एक्सपेडिशन व्हीकल आज तक किसी ने नहीं बनाया। दैट इज़ द रीज़न आई अप्रिशिएट दिस गाय अलॉट के यार ये जो काम किया है कमाल है, पहले देखा था लेकिन इस ट्रिप पे मैंने इसको जितना ठोक बजा के देख सकते थे, जितना टेस्ट कर सकते थे, हर तरह से किया। अभी मैं वॉशरूम में था, अब वॉशरूम आपको पता है कि बहुत बड़ी लग्जरी है, तो वॉशरूम में था, बाहर मुझे ये पत्ते नज़र आ रहे हैं, खिड़की से आराम से बैठ के देख रहा हूँ, कुछ चिमनी से धुआं नज़र आ रहा है निकलता हुआ, आखिर सा यार। बट बात ये है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा आपका भाई ऑटम बहुत ज़्यादा बाहर गुजारेगा। अभी ये पत्ते शत्ते देखें आप, रंग देखें, खूबसूरती बहुत ज़्यादा ना नेक्स्ट लेवल पर चली गई हुई है। अभी सीन इस तरह बना है, केल बाज़ार में लिए पुल ओवर, यहाँ से चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, सामान वगैरह जो हमें चाहिए रात गुजारने के लिए। कुकिंग का सीन इस तरह से होता है कि सिर्फ वेजेस और मीट, ये चीज़ आपको रुक रुक के बार बार लेनी पड़ती है। वैसे तो हमारे पास फ्रीज़र, हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं लेकिन फ्रेश मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, फ्रीज़र में बैकअप पड़ा होता है, अगर कुछ ना मिले तो ज़िंदा रहने के लिए वो गुजारें। तो यहाँ से हम वेजेस ले लेंगे, थोड़ा सा चिकन ले लेंगे, उससे रात को कुछ सामान वगैरह बना लेंगे और उसके अलावा छोटी मोटी और जो सप्लीमेंट्री चीज़ें चाहिए। और अभी गाड़ी जो है ना, रास्ते में मैंने लकड़ी का फिर सीन बनाया है क्योंकि रात को बड़ा मज़ा आया था बॉनफायर का, तो अभी जितनी से हमें मिली है ना वो लोड करी जा रहे हैं, तो आगे से जहाँ रुकेंगे वहाँ और भी देख लेंगे। ये क्या चीज़ बैठी है, चेक करो ज़रा, अनदर कंपेनियन, इसको भी तुम्हारे साथ ट्रैवलिंग करने का शौक चढ़ा है। तो जैसी चीज़ें पूरी करेंगे फ़ौरन आगे निकलेंगे। प्लान ये है कि थोड़ी कढ़ाई बना लेते हैं रात को और इसके साथ थोड़ा सा लाइट सा बारबेक्यू कर लेंगे, दैट्स इट, काफ़ी है। चाय शाय चलती रहेगी, साथ साथ गप्पें चलेंगी, बातें चलेंगी, रात होगी, सितारे होंगे, किस्से होंगे, कहानियाँ होंगी।
माशाल्लाह कुल्हाड़ी तो नहीं पड़ी मार लगा नहीं आई रात ना अभी तो लगा आप लोगों को एंजॉयमेंट कराएगा अभी तक तो यही टाइम पास कर रहे थे ओ जिंदाबाद चलो जी केक बड़ा केक ट्रॉफी आ गई आया गोरी फिर आया ही गोरी चलो जी आज तो लकड़ लकड़ हो लकड़ लकड़ हो जी बहुत हैवी सी शहजाद इज क्रेजी फॉर बॉनफायर्स ही लव बॉनफायर्स और हमारे जो बड़ों का कैंप होता है जहाँ मेरे वाले साहब वगैरह कैंप करते हैं वहाँ एक रात में एक जो पिकअप है ना वो जलती है पूरी जो डाला होता है शहजोर डाला इतना ग्रैंड कैंप होता है वो शहजाद को वो 20-25 साल से वो आदत पड़ी हुई है कहता जब तक एक डाला रात को नहीं जलेगा तब तक मेरा बॉनफायर नहीं होता कल रात को भी हमने किया था और लेकिन ये आज इसका शौक पूरा होगा बहुत है बहुत है बहुत है आज पूरी रात गुजरेगी शहजाद खुश होगा मैंने कहा आज बॉस खुश हो जाएगा क्योंकि बॉस को आदत है पूरा डाला जलाने की बॉस कह रहा था घर जला देता हूँ बहुत सच में मुझे आदत पड़ी है डाला जलाने की और ब्रेक पानी भरने के लिए बड़ा अच्छा चश्मा मिला था लेकिन इसका फ्लो बड़ा ठीक ठाक है ये मिल गया पॉइंट भर लेते हैं यहाँ से सारी बॉटल्स रिफिल कर लेंगे और जब यहाँ होते हैं तो फिर यही पानी पीने का सीन होता है बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं घर में भी यहाँ से ही मंगवा के पिया करूँ ऐसा सीन है कि हम ताओबट से तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट पीछे और हमने प्लान किया कि यहीं पे नाइट स्टे करते हैं ख़ास में बड़े खूबसूरत गांव और बड़ी प्यारी फील कश्मीरी खालस कश्मीरी मज़ा आ रहा था वो सब कुछ दिन को देखेंगे अभी रात को व्यूज़ नहीं आ रहे गाड़ी अनलोड करना स्टार्ट की है अपने इधर सेट बना रहे हैं बाहर इक्विपमेंट निकालेंगे चेयर लगाएंगे किचन निकालेंगे कढ़ाई बनेगी बारबेक्यू होगा बॉनफायर होगा बहुत कुछ होगा सारा कुछ बता नहीं सकता सारा कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ हम तैयारी करेंगे आज तो प्रोग्राम चल गया शुरू हो जाएगा सही है खान जी कढ़ाई भी सही है और वो अच्छा अब तैयारी शुरू हो गई है कढ़ाई भी बन जाएगी बारबेक्यू बनेगा लेकिन भाई का इस टाइम बीपी फुल लो है तो मैं ऐसे करता हूँ कि एक जरा सॉस पैन में थोड़े से नूडल्स बॉयल कर लेता हूँ देखिए बाहर किचन अलग चल रहा है अंदर किचन अलग चलेगा बाहर आग भी चलेगी आउटडोर किचन भी चलेगा अंदर का चूल्हा भी चलेगा सो इट्स अ विला लग्जरी आउटडोर एक्सपेडिशन लाइफ विला पेंट हाउस जो मर्जी को कैसे ला हमारा ये ऑपरेशन ये वाली भी शुरू है टेबल आ गया कोयले आ गए आग जलना शुरू हो गया हर जगह पे प्रैक्टिकल चीज़ें पड़ी हुई हैं जब आपको जो चीज़ याद आए ओ यार वो है हाँ सब मिल जाएगा औजार पूरे हैं मैकेनिकल भी और ये वाले भी दो पैकेट बना लेता हूँ ताकि जब चीज़ चलती है ना जब तो फिर और लोग भी बीच में आ जाते हैं और दो पैकेट हल्के हल्के चल जाएंगे तो सबका भी गुजारा हो जाएगा अनटिल द नेक्स्ट मील इज़ प्रिपेयर क्योंकि सिर्फ खाना बना के खाना मकसद नहीं है अब इस एक्टिविटी को पूरी रात ये सिलसिला इंजॉय करना फील इसको ऊपर जो तारे चमक रहे हैं नीचे आग आ रही है लकड़ी जो चल रही है ना इतनी खालिस इसका जो मौसम बना हुआ है इतनी प्यारी स्मेल आती है इस लकड़ी की कि आप समझे आइडियल
जी बॉस, ये बता दे कि इसकी फीस छोटे करवाने हैं या ऐसी ठीक है? किसके? बारबेक्यू, वेजीज, कोयले, कढ़ाई, नूडल्स। खुद भी खिलाएं, खाएं दूसरों को भी खिलाएं। सर्दी में जरा सूपी नूडल्स जो है ना मजा कराते हैं। उसके अंदर मैं वेजिटेबल्स भी डाल सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये स्टार्टर है, खाना तो अभी बन रहा है। वाह, ये थोड़ा आग जलेगी ना, नीचे बैठेगी, कोयला भी बन जाएगा, बाकी सब भी जल जाएगा। ये हमारा एक्स्ट्रा बैकअप पड़ा हुआ है लकड़ी का। शहजाद पहले खुश था, लेकिन जब बाहर बिखेर के रखी है तो उसका दिल नहीं भरा, कह रहा ज़्यादा होनी चाहिए। खुद साख्ता अंगीठी बन गई, अंदर से जी कोयले हैं, साइडों पे पत्थर है, आउटिंग इसकी जो है वो वुडन है। Look how beautiful it is, huh? अब आप सीन देखें, इमेजिन करें कि एक तरफ बारबेक्यू की स्मेल आ रही है, एक तरफ कढ़ाई का सीन ऑन हुआ हुआ है, लकड़ी जलने की खुशबू आ रही है, मौसम अच्छा है, दूसरी तरफ ये दरिया जो कि कैमरे में नज़र नहीं आ रहा लेकिन आँख इसको फिर भी थोड़ा बहुत देख पा रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, और दरख्त जो है अगेन वो भी नहीं मैं आपको दिखा सकता, फुल स्टैंड टॉल हाई स्काई स्क्रैपर ट्रीज। कैसा सीन बना जी? अच्छा, बेहतरीन। तो जी ये हमारा बारबेक्यू है। This is fantastic, just as it should be. आहिस्ता आहिस्ता हमारा डिनर का काम चुका जा रहा है, स्टार्टर नूडल्स, बारबेक्यू, मेन कोर्स कढ़ाई, उसके बाद चाय। شدم غرق خیالت باز دوباره وی بجا سب बारबी क्यू खा लिया, सीन बहुत मज़े का हो गया हुआ है, और वो जो पोटैटोज हमने रखे थे उनका बेसिकली कोयलों में नप दिए, दे आर बरिड। हो बिदीदम चेहरा अदरा दर खयालम मुई रुखत मा बुद व चश्मानत सितारा रुखत मा बुद व चश्मानत सितारा। आगे रोटियां किधर मेरी जान, इसको गरम करने की तो जरूरत नहीं है, नहीं बस फिर सही है, सेंटर में कढ़ाई रखे, बड़ा कहने दे मत, बिस्मिल्ला पढ़े। मैंने खुद नहीं सोचा था कि खान कढ़ाई जो है ना वो ठीक बना लेगा, ठीक नहीं लगी कढ़ाई पूरी 4x4 है।
जैसे ये व्लॉग मैंने एडिट करके कंप्लीट किया, मुझे एक चीज़ फील हुई है कि दिस इज़ नॉट दैट इंटरेस्टिंग जितनी ये रात एक्चुअली में इंटरेस्टिंग थी। देर आर फ्यू रीजंस ऑफ दिस। एक तो ये हो गई कि आई लॉस्ट सिग्निफिकेंट फुटेज फ्रॉम दिस नाइट। मेरे जैसे लापरवाह बंदे के साथ अक्सर ये चीज़ हो जाती है, लेकिन आज नहीं होनी चाहिए थी। सेकेंड चीज़ ये है कि एटलीस्ट 10 times बेहतर ये वीडियो बनाई जा सकती थी, पर मैंने क्यों नहीं बनाई ये भी मुझे नहीं पता। इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर ऑफ दिस चैनल तो आपको एक पैटर्न बहुत अच्छे से पता होगा कि ना तो कुछ स्क्रिप्टेड होता है ना ही कुछ सेटअप होता है। द कोर आइडिया इज टू कन्वे द फील ऑफ मोमेंट, वो जैसे भी हो, बट समटाइम्स आई एक्सप्रेस मोर विच नेचुरली एस्केलेट्स द फ्लेवर ऑफ वीडियो एंड वॉइस वर्सा। एट टाइम्स आई एम मोर इनक्लाइंड टुवर्ड्स द एब्जॉर्बिंग स्टेट ऑफ माइंड। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू स्टिल लाइक्ड इट आई एम ग्रेटफुल। एंड कमिंग अप आफ्टर दिस वन इज द लास्ट पार्ट एंड अ रियली गुड वन।